हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल आज हम देखेंगे कि बच्चों को पहाड़ा बनाना कैसे सिखाएं किस तरीके से उन्हें हम सिखाए कि वो पहाड़ा खुद से कैसे बना सकते हैं तो सबसे पहले हम वन से टेन तक गिनती लिख लेंगे वन से टेन तक तो उन्हें याद ही होना चाहिए बच्चों को नॉर्मली उसके बाद हमें बनाना है दो का पहाड़ा मतलब टू की टेबल ठीक वन के बाद क्या आता है टू इस तरह से टू लिख दिया हमने अब हमें टू की टेबल बनाना है तो अब हम यहाँ से काउंटिंग शुरू करेंगे ये टू इसे कहेंगे थ्री और थ्री के बाद क्या आता है फोर मतलब ये है कि भले ये टू है लेकिन हम इसे क्या काउंट करेंगे थ्री या वन टू थ्री फोर इस तरह से अब इसके बाद से अब ये है फोर फोर के बाद हम आगे चलेंगे फाइव थ्री को यहाँ हम कहेंगे फाइव फिर सिक्स ये है तो थ्री लेकिन हम इसे फोर के बाद क्या आता है फाइव आता है तो फाइव ही काउंट करेंगे अब आया सिक्स सिक्स फोर को क्या काउंट करेंगे सेवन और सेवन के बाद क्या आता है यहाँ पर लिखेंगे एट फिर एट है एट के बाद हम फाइव को गिनती करेंगे आगे एट के बाद क्या आता है नाइन फिर टेन फिर इसी तरह से टेन है टेन के बाद सिक्स को काउंट करेंगे टेन के बाद क्या आता है इलेवन इलेवन के बाद ट्वेल्व ट्वेल्व के बाद फिर आगे चलेंगे ट्वेल्व के बाद आता है थर्टीन थर्टीन के बाद आता है फोर्टीन फोर्टीन के बाद फिर आगे काउंट करेंगे फिफ्टीन यहाँ हो जाएगा सिक्सटीन अब सिक्सटीन के बाद फिर आगे चलेंगे तो चाहे ये नाइन है लेकिन सिक्सटीन के बाद ये क्या हो जाएगा सेवनटीन इसके बाद आएगा एटीन एटीन के बाद फिर आगे चलेंगे अपन यहाँ पर तो अब हम इसे एटीन और इसे पढ़ लें नाइन्टीन नाइन्टीन और एक ट्वेंटी इस तरह से हम बच्चों को टेबल बनाना सिखा सकते हैं अब चलते हैं थ्री की टेबल पर या तो बच्चे पहले इन सब को लिख सकते हैं जैसे कि वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स इस तरह लिख भी सकते हैं पहले अब हमें थ्री की टेबल बनाना है ठीक है अब थ्री से हम आगे काउंटिंग शुरू करते हैं थ्री के बाद क्या आता है काउंट करते हैं थ्री के बाद फोर फाइव और ये हुआ सिक्स ठीक है अब सिक्स के बाद फिर काउंटिंग शुरू करेंगे सिक्स सेवन एट नाइन नाइन के बाद फिर काउंटिंग करेंगे नाइन के बाद टेन इलेवन ट फिर आगे काउंटिंग कर लेंगे ट्वेल्व थर्टीन फोरटीन फिफ्टीन फिफ्टीन के बाद फिर काउंटिंग करेंगे फिफ्टीन सिक्सटीन सेवेंटीन एटीन 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 के बाद फिर चलते हैं नेक्स्ट नाइन्टीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन अब ट्वेंटी वन के बाद अगली काउंटिंग करेंगे ट्वेंटी वन के बाद क्या आता है ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर अब ट्वेंटी फोर के बाद क्या आता है ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी सेवन के बाद फिर काउंटिंग करेंगे ट्वेंटी एट ट्वेंटी नाइन थर्टी इस तरह भी बता सकते हैं बच्चों को या ऐसे भी बता सकते हैं कि टेन ट्वेंटी थर्टी नीचे इस तरह से आएगा जिस तरह से ऊपर इस तरह की लाइन आई है ठीक इसी तरह से आगे की टेबल भी बनेगी एक लास्ट देख लेते हैं फोर की टेबल फोर फोर के बाद काउंट करेंगे फाइव सिक्स सेवन एट एट के बाद फिर काउंटिंग करेंगे नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व ओके ट्वेल्व के बाद फिर काउंटिंग करेंगे ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन फिर सिक्सटीन के बाद सेवेंटीन एटीन नाइन्टीन फिर आएगा यहाँ ट्वेंटी ट्वेंटी इसके बाद काउंट करेंगे ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर आगे काउंट करेंगे ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी एट फिर आगे काउंटिंग करेंगे ट्वेंटी नाइन थर्टी थर्टी वन थर्टी टू फिर काउंट करेंगे थर्टी थ्री थर्टी फोर थर्टी फाइव थर्टी सिक्स और थर्टी सेवन थर्टी एट थर्टी नाइन फोर्टी या ऐसे भी कर सकते हैं टेन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी इसी तरह से फाइव की भी टेबल बना सकते हैं जैसे फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोटीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइन्टी ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फ़ोर ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी एट ट्वेंटी नाइन थर्टी थर्टी वन थर्टी टू थर्टी थ्री थर्टी फोर थर्टी फाइव फिर थर्टी सिक्स थर्टी सेवन थर्टी एट थर्टी नाइन फोटी फिर यहाँ से काउंट करेंगे फोर्टी वन फोटी टू फोर्टी थ्री फोटी फोर फोटी फाइफ फोर्टी सिक्स फोर्टी सेवन फोटी एट फोर्टी नाइन फिफ्टी इसी तरह से हम टेबल बनाना सिखा सकते हैं बच्चों को बहुत आसानी से एक दो बार प्रैक्टिस कराने पर बच्चों को इसकी आसानी से प्रैक्टिस हो जाती है ये तो थी पहली मेथड ये अपनी पहली मेथड थी टेबल बनाने की कि टेबल कैसे बनाए अब दूसरी दूसरा तरीका टेबल बनाने का जैसे कि हमें टू की टेबल बनाना है तो टू में हम टू को प्लस करेंगे क्या आ जाएगा फोर फिर हम फोर में फिर से टू को प्लस करेंगे मतलब कि फोर में चार में दो को जोड़ देंगे तो फिर आ जाएगा सिक्स फिर हम सिक्स में टू को जोड़ देंगे तो क्या आएगा एट फिर एट में हम टू को जोड़ देंगे तो आएगा टेन फिर इसी तरह टेन में टू को जोड़ देंगे इसमें प्लस कर देंगे ट्वेल्व ट्वेल्व में हम टू फिर प्लस कर देंगे तो क्या आएगा फोर्टीन इसमें हम फिर टू को प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा सिक्सटीन फिर सिक्सटीन में हम टू को फिर प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा एट्टीन और फिर टू को हम प्लस कर देंगे हो जाएगा ट्वेंटी मतलब टू की टेबल में सिर्फ हम टू को प्लस करते गए जोड़ते गए चार में दो जोड़ जोड़ा हमने फिर सिक्स आया सिक्स में दो जोड़ा हमने तो फिर एट आया एट में फिर प्लस किया तो टेन आया इसी तरह थ्री की टेबल है तो थ्री की टेबल में थ्री में थ्री को हम क्या करेंगे प्लस करेंगे मतलब थ्री को थ्री से जोड़ेंगे तो क्या होगा Six. इसी तरह से हम सिक्स में फिर से थ्री को जोड़ेंगे क्योंकि थ्री की टेबल है फिर सिक्स में थ्री को जोड़ेंगे तो होगा नाइन फिर नाइन में फिर थ्री को हम प्लस करेंगे तो यहाँ पर आएगा ट्वेल्व फिर ट्वेल्व में थ्री को प्लस करेंगे तो यहाँ आएगा फिफ्टीन फिर फिफ्टीन में थ्री को प्लस करेंगे तो आएगा एट्टीन अब हम एटीन में फिर थ्री को प्लस करेंगे तो यहाँ क्या आएगा ट्वेंटी वन फिर ट्वेंटी वन में थ्री को जोड़ेंगे प्लस करेंगे तो आएगा ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर में थ्री को फिर से प्लस करेंगे तो यहाँ क्या आएगा ट्वेंटी सेवन और ट्वेंटी सेवन में फिर थ्री को प्लस करेंगे तो क्या आएगा थर्टी इस तरह से अब फोर की टेबल है तो फोर की टेबल में हमें क्या करना है फोर को ही जोड़ते जाना है फोर को ही प्लस करते जाना है फोर में फोर को प्लस करेंगे तो आएगा एट फिर एट में फोर को प्लस करेंगे तो क्या आएगा ट्वेल्व फिर ट्वेल्व के साथ फोर को हम जोड़ देंगे मतलब बारह के साथ चार को जोड़ेंगे तो फिर आएगा इस तरह सिक्सटीन आया सिक्सटीन में फिर हम फोर को प्लस करेंगे जोड़ देंगे तो इसमें क्या आएगा ट्वेंटी फिर इसमें फोर को करेंगे प्लस तो क्या आएगा ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर में फिर से फोर को प्लस करेंगे तो क्या आएगा ट्वेंटी एट ट्वेंटी एट में फोर को फिर से प्लस करेंगे तो क्या आएगा थर्टी टू और लास्ट में थर्टी टू को फोर से जोड़ेंगे प्लस करेंगे तो क्या आएगा थर्टी सिक्स में फिर फोर को प्लस करेंगे तो क्या आएगा फोर्टी तो ये थी कुछ आसान सी ट्रिक मैंने आपको दो ट्रिप ट्रिप बताई है इसमें एक तो वन से टेन तक काउंटिंग काउंटिंग के थ्रू और दूसरा तरीका है जोड़ जोड़ते जाना है टू की टेबल में टू को जोड़ते जाना है सबसे जो भी आता जाएगा उसको टू से प्लस करते जाएंगे थ्री की टेबल में थ्री को प्लस करते जाएंगे फोर की टेबल में फोर को प्लस करते जाएंगे इसी तरीके से बच्चों को आसानी से टेबल बनाना सिखा सकते हैं और आप भी सीख सकते हैं तो यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू